अच्छे तरीके से, तब तक दूसरी लग जाती है। सो कोई ना कोई पट्टी तो बनी रहती है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ पे। बेचारी अबला नारी। मम्मी आपकी एंट्री हुई है शो में, कैसा लग रहा है और आज क्या सीन हो रहा है यहाँ पे? देखो एंट्री तो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब थी, अभी इन लोगों की कृपा से, उनके जिन्होंने जो भी मेरे लिए वर्क किया, मैं ठीक हो गई हूँ। विच आर लाइक हैप्पी फीलिंग फॉर मी। तो अभी बहुत ज़्यादा ड्रामा, फैमिली ड्रामा, मदर्स के बीच की जो टिफ बेटे के लिए, सब वो सब चल रहे हैं। तो दोनों मदर में दोस्ती हो गई है, उस दिन तो झगड़ा हो रहा था। ऑफ स्क्रीन दोस्ती, ऑन स्क्रीन अभी तो बाप रे बहुत कुछ चल रहा है। तो अपने हक के लिए, कैट फाइट है, कैट फाइट। अपने बेटे के हक के लिए आप कितना लड़ने वाली हैं? बेटा मेरे हक के लिए बहुत लड़ रहा है। अच्छा, बेटा हाँ, मतलब एक बेटा मेरे हक के लिए लड़ रहा है, दूसरे बेटे के लिए मैं लड़ रही हूँ, जहाँ बीच में ये आ रही है और ये अपने हक के लिए लड़ रही है, मैं अपने हक के लिए। आप बताएं आज जो सीन हो रहा है, सीन का मेन क्या है, क्या ट्विस्ट है नया? ट्विस्ट बस यही है, हक पोजीशन, इनके हक घर में, और मैं अपना हक छोड़ना नहीं चाहती, और इनका बेटा इनके लिए लड़ रहा है कि इनको हक मिलना चाहिए, और मैं कहती हूँ वो मेरा बच्चा है और मैं ये हक उस खोने नहीं दूँगी, मतलब जाने नहीं दूँगी इसको। यही है उसका जो अपनी माँ के लिए लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहूँगा? बेसिकली सर सबके ऊपर एक ही थॉट है, बहुत बड़ा पावर प्ले है, सबको पावर चाहिए, और अब जो टिफ हो रहा है ना, वो बेसिकली हो रहा है डिवाइड एंड रूल, वो चालू है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरे फैमिली को कैसे ना कैसे करके तहस नहस कर दूँ। अभी उनको घर के बाहर निकाला है, एक 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 करके मैं तोड़ रहा हूँ, परिवार को तोड़ने की पूरी कोशिश जारी है। लेकिन लेकिन बोलिए बोलिए। लेकिन हुआ ऐसा, होने नहीं दूँगी, मतलब आग पानी सब मिल मिला के सब तूफान आ रहे हैं। हमने ये सुना कि हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरे विश्व में दंगल टीवी और आपका शो देखा जा रहा है, और यूएस में भी बहुत सारे फैन हैं जो आपका शो देख रहे हैं, उन्होंने बहुत बेस्ट विशेस भेजे हैं आपको। तो क्या कहेंगे आप? वाओ वाली फीलिंग है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बस आप हमें वहाँ बुला लो, वहाँ के आपको थैंक यू बोलेंगे। एक ट्रिप हो जाए बाहर की, बुला लो, रियल में भी देख लो हम लोगों को। मैं तो आ रहा हूँ आप लोग से मिलने। नहीं नहीं पक्का, हाँ हाँ पक्का, मैं फेब मार्च में आ रहा हूँ। नहीं नहीं बर्बा, वेरी गुड न्यूज़, अगर आपके थ्रू हम लोग को मिल रही है ये न्यूज़, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इतना मेहनत करते हैं हम लोग और जितना रीच हुए हमारे शो का, उतनी खुशी होती है। दंगल को इतना ये मिल रहा है शो से, दैट इज़ अगेन वन प्लस पॉइंट, एंड उसकी वजह से हमारा भी भला हो, हमारी वजह से उनका भी भला हो, ये भला लेन देन चलता रहे। और ये मैं इसलिए भी एक्चुअली जानता हूँ क्योंकि मेरी बुआ वहाँ रहती है, यूएस में, शी लिव्स इन न्यू जर्सी, एंड मतलब उधर कैसे ना मैम, सब कम्युनिटीज़ है एंड दे ऑल, मतलब उनको सैटरडे संडे मिलता है, तो वो पूरे वीक लॉग का जो पूरा लॉग बचा होता है कि भाई आज बैठ के सब खत्म करेंगे, सो दे ऑल वॉच। एंड मैं जब वहाँ गया था, मुझे सच्ची में मुझे ऐसा हो रहा था कि यार it was unbelievable for me that everyone sits together, they watch, sab saath mein baith ke dekhte hain, so thank you so much guys for watching our show, and aap logo ki wajah se sab log ki entries hoti hai nayi, kuch naya screen play aata hai, kuch hame bhi naya kuch khelne milta hai, so thank you so much, aur aap logon ki wajah se hamari baat wahan tak pahunchti hai aur aap log un logon ki baat hamare tak pahunchti hai, jaise aaj aapne hame itni achhi news di ki bahar ke log bhi itna kuch dekh lete hain hamara, to christmas aa raha hai aur न्यू ईयर आया, तो चाहेंगे कि नथ की तरफ से आप सबों को विश कर दें, दर्शकों को जो देख रहे हैं आपका शो। ठीक है, मेरी क्रिसमस एवरीबॉडी एंड हैव अ लवली एंड सेफ वन एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गाइस तैयार है ना, मैं सांता क्लॉज बन के आ रहा हूँ। गिफ्ट भी लेके आना पड़ेगा फिर तो? नहीं सर, वो तो झोला है, झोले में जो मिल जाए। हमें भी रिटर्न गिफ्ट में बहुत सारी टीआरपी और बहुत सारे प्यार चाहिए। अनुराग जी की एंट्री हुई है, वापस आए हैं अनुराग जी, आइए। ये ट्विस्ट रॉक एंड रोल जाए, जितने भी हैं ना सारे इसमें ये एक्सपर्ट है, यही बैठ रहे बताए तू कैसे तू नचा रही है सबको। हाँ बिल्कुल, हमारे शो में रोज़ कोई ना कोई नया धमाका होता है, कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं, और आप सब उसको बहुत पसंद करते हैं, आप देखते हैं, आई होप आप बहुत इंजॉय करते हैं। सो यस, मज़ा आता है ऐसे नए नए सीक्वेंसेस करने में, और सो अच्छा लगता है, मज़ा आता है, और हम सब बहुत फन करते हैं, हंसी मजाक में सीन शूट करते रहते हैं एक दूसरे के साथ बड़े। हमारी अब ये नथ जो है वो एक्चुअली हमारा परिवार बन गया है, हम फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह।
सबसे बड़ा जो टर्न आया है कि जिसकी आवाज़ से दुनिया कांपती थी उसकी आवाज़ बंद कर दी गई है अम्मा जी की, लेकिन अम्मा जी वापस, अम्मा जी की दहाड़ जो है एकदम दबंग तरीके से अम्मा जी नस काट के लेके आके अम्मा जी को खड़ा कर देती है और अम्मा जी वापस अपनी बंदूक लेके खड़ी हो जाती है। सब कर्स जल्दी आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी आवाज़ जैसे ये लोग बता रहे हैं बंद कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं ठीक है, ये महारथी आए थे इन्होंने, मतलब इन्होंने अब अपना बदला तो लेना ही है हमसे। रमेश ठाकुर वापस, बदला तो रमेश ठाकुर ही लेगा। हमारा शेर वापस आ गया है। हमारी अम्मा को जो तकलीफ दिया ना, किसी को छोड़ेंगे नहीं। यही है कि ललकारते रहेंगे और कब उनको मिलेगा, कब हम पॉइंट मिलेगा कि आवामी से कब कब जाएंगे हम हवेली के अंदर? ये तो हम वादा करते हैं हवेली के अंदर जरूर जाएंगे। अभी अजराज ने हमें हवेली से बाहर निकाल दिया है और हम सबकी अब बहुत बुरा हाल है, खाने पीने भी नहीं मिल रहा, हम लोग का टर्न हो गया है, अभी चले जाते हैं अजराज की वजह से निकाल दिया गया है। हवेली से निकाल दिया गया, ये है ना निकालने वाले बैठे हुए हैं बगल में हमारे सबसे बड़े दुश्मन, मैं आ गया हूँ तो फिर देखो इनको ऐसे में यूँ निकालूंगा हवेली से बाहर। टेंशन मत लीजिए आप लोग, पूरी महुआ फैमिली, अम्मा जी फैमिली हवेली के अंदर जरूर जाएगी, हाँ लेकर के जाएंगे। इतना आसान थोड़ी है अम्मा जी के खानदान को बाहर निकालना, थोड़े दिन की चांदनी में करता रही जिसने करना। अम्मा जी जिंदाबाद, अम्मा जी की जय हो, अम्मा जी की जय हो, अम्मा जी की जय हो। इसने बहुत नौटंकियां मचा रखी, इसका तो बस मैंने तो आज बस फैमिली को टॉर्चर करना था जो मैं कर चुकी हूँ। नया तरीका, प्यास की एक एक बूंद के लिए ये जो तरस रहा और मैं इन्हीं के सामने बाथटब में नहा रही हूं। हाँ जहाँ मतलब हम लोग एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरस रहे, वहाँ ये हमारे सामने बाथटब के अंदर नहा रही है और हमें अपने बालों का पानी निचोड़ के पिला रही है। आदिराज की वजह से मेरा एक जो कैरेक्टर के अंदर चेंज आया कि मुझे थाली का बैंगन बना दिया गया, कभी मैं अम्मा जी की तरफ जा रहा हूँ और कभी मैं अपने बच्चे की तरफ जा रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं किस फैमिली को चुनूं। अचानक मेरा खून तड़पा पड़ा है, मैं जरा शॉट दे। सो कीप वॉचिंग नथ जेवर या जंजीर सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दंगल टीवी। मैडम जी, बुंदी जी, आप ही तो देखते रहिए नथ जेवर या जंजीर रात 8 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर, सोमवार से शनिवार, सोमवार से शनिवार। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। सो न्यू ईयर आने वाला है, 2022 आने वाला है, क्या रेजोल्यूशन बनाया नए साल के लिए, अगर आप लोग उस बारे में कुछ बताएं? रेजोल्यूशन तो हर बार बनाते पर कर नहीं पाते, पर इस बार का रेजोल्यूशन यही है कि सेफ्टी के साथ रहो और ईमानदार रहो अपने काम से, जो हमेशा रहते हैं हम, लेकिन और ईमानदार और शिद्दत से, और शिद्दत से काम करते रहे और सेफली काम करते रहे, क्योंकि आप सब जानते हैं कोविड भी बढ़ रहा है, सो इट्स बेटर टू बी सेफ, ताकि हमें 2022 में भी ये जो 2020 और 2021 है ऐसे माहौल ना देखने पड़े। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ्टी से रहें, नए नए वायरस आ रहे हैं जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जान जा रही है लोगों की, उसमें फैमिली को कितनी प्रॉब्लम होती है, सो आप सब सेफ्टी से रहें, सुरक्षित रहें और दिल से काम करते रहें, मेहनत करते रहें, बाकी तो वो है ही संभालने वाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, आप अपने कमेंट्स लिखकर हमें बता सकते हैं कि आप इन वीडियोस के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 81।